जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अजीब पवित्र नाम है। सब पवित्र लोगों को मसीह में रहता हो, प्रभु की बड़ी अनुग्रह है। बड़ा आशा भरा गीत हम गाया, नीले आसमान के पार जाएंगे। कितने लोग तैयार है वास्तव में है? आज प्रभु यीशु मसीह आएगा, वे भी प्रभु के साथ ये नीले आसमान के पार जाएगा। ये बात का एक सच्चा निर्णय में जीवन बिताना कितना धन्य बात है। प्रभु की बड़ी दया है, सबको प्रभु का बुलाहट है, लेकिन सब लोग वो बात को सुनता ही नहीं है ना। बुलाए वो बहुत है परंतु चुने हुए कम है। तो हमारे ऊपर का प्रभु का बुलाहट, हमारा चुनौती ये जानना और उस बात को अमल करके जीना, ये हमारा हरेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें बहुत बड़ा ऐसा उस बात को जानने के लिए अनुग्रह दिया है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ वही शब्दों में वापस आना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय का 7 वचन और एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय उसका 7 वचन कोई बात को एशिया नबी की किताब उसका 22 अध्याय उसका 26 वचन भी पढ़ना, सॉरी 22 का 22। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। तो यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है प्रयोग? हमारे जीवन में मतलब प्रभु अगर बंद करेगा तो कितना भी लोग प्रयास करे वो खोल नहीं सकता। यदि प्रभु ने खोला है तो दूसरा कितना भी प्रयास करे वो बंद नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखो, प्रभु ने खोला हुआ प्रभु यीशु मसीह का वो कब्रस्तान का कवर आज तक कोई बंद कर पाया नहीं कर पाया, क्योंकि प्रभु ने खोला है ना। वो उस समय में मसीह विरोधी लोग बहुत थे, है ना। यीशु मसीह की जीवने के खिलाफ में कार्य करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन वो वापस बंद नहीं कर पाए। आज भी खुला पड़ा है, वहां पर लिख कर रखा है, कोई जी उठा है वह यहां पर नहीं। तो प्रभु ने खोला है तो ये कभी बंद नहीं होता है ना। बहुत बड़ी बात है। तो आज हमारे जीवन में हमने कल हमारा 2 बात को देखा था। प्रभु हमारा आंग को खोलता है। प्रभु जब तक हमारे आंग नहीं खोलेगा, सच में हम स्वर्गीय बातों को जान नहीं पाएगा, आत्मिक बातों को देख नहीं पाएगा, है ना। आत्मिक बातों को देखने के लिए हमारा आगे खुलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ना, है मतलब हृदय का वो आगे, ये सब वास्तव में एक प्रकार बोले तो हमारा हृदय के संबंधित है। हमने कल पढ़ा था जब प्रेषित पौलुस एफेसुस मंडली के लिए इसलिए प्रार्थना किया, है ना, जब एफेसुस 1 अध्याय 18 वचन लॉर्ड जीसस तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। देखा हमारे मन में क्या था? हमारे मन में पहले अंधकार था। मैंने उसके साथ मैंने समझने के लिए दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय 6 वचन इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। देखा अंधकार में से, अभी वो वहां पर पूरा अंधकार था, वहां से ज्योति चमके। देखो हमारा वो हृदय के अंदर भी ज्योति चमकने लगा, है ना। प्रभु का जीवन का वचन वहां पर कार्य करने लगा। ये कहां से आया, क्या आया, क्या किसी को मालूम नहीं। जैसा एक हमारा बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर हड्डी कहां से आया किसी को मालूम नहीं, ये सब प्रभु का काम है ना। प्रभु इतना महान कार्य करता है। तो हमारा हृदय की दृष्टि खुल जाएगा तभी हम प्रभु के एक एक कामों को देख पाएगा, है ना। प्रभु का एक एक काम बहुत विचित्र है, मतलब हम लोग उसको समझना बोलेगा तो हमारा कठिन है, हम लोगों का अपना बुद्धि में नहीं आएगा, लेकिन प्रभु ऐसा काम करता है। इसलिए मतलब प्रभु हमारा आंग खोला है तो हम एक एक बातों में इसके पीछे प्रभु का हाथ कैसे काम कर रहा है वो जान पाएगा, है ना। आज नए नियम की मंडली को प्रभु ने ये सारे बात आत्मा के द्वारा समझाता है, क्योंकि प्रभु की बात कौन जानता, क्योंकि आत्मा जानता है। अभी उस समय में लोगों में आत्मा नहीं थी, लेकिन आज हमारे में आत्मा है। जब हम 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 वचन में मतलब पढ़ता है ना, तो 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11 वचन ऐसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हाँ, केवल परमेश्वर की आत्मा। अभी हम आत्मा पाए हुए लोगों को उन बातों को समझने के लिए आत्मा मदद करता है, प्रभु की आत्मा। प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा को समझाता है,
है ना। इसलिए आत्मा क्या कहता है करके हमें आत्मा में सुनना, इसलिए हमें आत्मा में रहना। प्रभु की उपस्थिति में अभी ऐसा भी इतना लोग हम लोग बैठा है, पर जो सब लोग एक्चुअली मतलब प्रभु का शरीर का एक अंग बन के नहीं बैठा, क्योंकि वो आत्मा में नहीं बैठा। आत्मा में बैठा है तो शरीर से आने वाला आलोचना उनको मिलेगा, सिर से आने वाला आलोचना उनको मिलेगा, वो समझेगा। पर जो सब लोग समझ नहीं पाता, क्योंकि ये आत्मिक बात है, आत्मिक बात आत्मा में रहेगा तभी समझेगा। हमने मतलब कल भी बहुत बार देखा कि प्रेरित लोग जो भी बात सुनाया गया वो भी सुना, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। फिर बाद में जब प्रभु अकेला था ना, एक एक बात जाके पूछा, प्रभु आपने ये जो बोला था उसका अर्थ क्या है, हमको भी समझ में नहीं आया है। फिर प्रभु ने उनको समझाया। और तो आज इन सारे बातों को समझाने के लिए एक मददगार के रूप में जब पहला योगना दूसरा अध्याय का 27 वचन में हम लोग पढ़ता है, पहला योगना उसका दूसरा अध्याय का 27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, परंतु जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। देखा, सब बातें सिखाता है। देखा कितना अनमोल बात है, बहुत बातें हैं जब वो पढ़ने पर एकदम समझ में नहीं आता, लेकिन आप थोड़ा प्रार्थना के साथ प्रभु की उसी में बैठो, आपको वो बात भी प्रभु समझाता है, प्रभु की आत्मा समझाता है, हैं? आपने कभी नहीं सोचा होगा ऐसा, उसमें आपकी गहराई की बात है, वो बात को प्रभु की आत्मा में समझाता है। प्रियो हमें रोज प्रभु से सीखना चाहिए। प्रभु से सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जीवन लेना, जीवन लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नम्र बनना है ना। वो नंबर बनने के लिए जो तैयार नहीं है वो तो युवा ले नहीं सकता, जब युवा लेगा नहीं तो सीखेगा नहीं। क्या रूट प्रभु ने बना के रखा, हमारा आत्मिक उन्नति का एक ही चिन्ह है प्रियो, नम्रता। जब ना यीशु मसीह की जो हमें बताया हुआ वो मार्ग जो है नम्रता का मार्ग है, जितना अधिक अपन नम्र होते जाएगा उतना अधिक प्रभु का सिखलाई में हम बढ़ते जाएंगे, और जितना स्वर्ग का ज्ञान जब हमें ज्यादा मिलेगा उतना अधिक वो नम्र होगा। क्योंकि आपको याद है जब याकोब तीसरा अध्याय का 17 वचन में याकोब जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव, और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखो बहुत बड़ी बात है, ये है ऊपर के ज्ञान का खूबिया। स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वो व्यक्ति इन सारे गुणों में भरा रहेगा। देखा बहुत बड़ी बात है, हमारे जीवन में थोड़ा कुछ जानने वाला क्या होता, मैं सब जानता हूँ ऐसा कमेंट करता है, और जैसे जैसे जानकारी बढ़ते जाएगा है ना। जैसा एक बार सोक्रेटिस को हमारा एक चेहरे ने पूछा कि आप इतना ज्ञानी है तो आप मतलब हमें कुछ शिक्षण देंगे, तो बोला ये तो आप लोगों की गलती है, है? मैं कुछ नहीं जानता, ये जानकारी है मुझे ये अवस्था में लेकर आया, ये कोई बहुत बड़ी बात है, मैं कुछ नहीं जानता। प्रियो अगर मैं कुछ जान लिया करके सोचेगा तो मेरे उसका उन्नति पाने वाला बात खत्म हो गया, बहुत बड़ी बात है। हमें रोज रोज प्रभु में बढ़ना है तो हमारे अंदर ये एक भावना रहना चाहिए कि प्रभु अभी तक जो जानना चाहिए मैं कुछ भी नहीं जाना है ना। इसलिए बोला ना प्रभु ने जो बालक की नींद नहीं बनता ना, बालक की नींद हमें वो बालक की नींद बनना, अपने आप को मतलब दूसरे के सहारे बिना दूसरे की मदद बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा एक अनुभव बहुत बड़ी बात है। तो हमने देखा था आंख खोलना, उसका बात है बहुत बात देखा, और दूसरा हमने देखा था खान खोलना, क्या खोलना, खान खोलना। देखो बहुत लोगों का मतलब आंख भी नहीं खोला खान भी नहीं खोला है, इसलिए जब अपना सभानुस प्रचार करने के टाइम पर इसराइल लोगों के बारे में बोला हुआ हमारा एक बात क्या है, जब प्रेरित का उसका 7 अध्याय का 51 वचन, और मन और काम की खतना रहित लोगों, देखा मन और हमारे काम की खतना रहित लोगों, देखा उनका मन में भी खतना नहीं और काम में भी खतना नहीं। देखा उन्होंने परमेश्वर की बातों से बदवा करता, परमेश्वर के वचन को स्वीकारने के लिए उनको तैयारी नहीं, उनका मनोभावना बिल्कुल मानो प्रभु की इच्छा से बहुत दूर है, हैं? बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज हम तीसरा बात
मतलब बुरा देखने के लिए कोशिश करेगा ताकि फिर नया विषय को लेकर कल आ सकता है। तो आप लोग मेरे साथ चलेगा तो हो जाएगा। आज मतलब प्रभु हमारा हृदय खोलना, क्या करना, आज तीसरा विषय है हृदय खोलना। देखो यहाँ पर वजन सुनने वाले लोगों का दिल या उनका हृदय प्रभु नहीं खोलेगा, ये वजन वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। आज भी बहुत लोग वजन सुनता है लेकिन प्रभु का उन पर वो अनुग्रह नहीं हुआ, वो हृदय नहीं खोल पाया है। हृदय कौन खोलता, प्रभु खोलता है ना। जब एर्दो काम उसका 16 अध्याय के 14 वचन, उनका मन खोला। देखा उनका मन खोला, ये जो मन या हृदय ये दोनों मतलब भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न अर्थ में आता है। तो अपना उनका हृदय को खोला, यहाँ पर भी आके उनका हृदय को खोला, ठीक है। मन खोला करके मतलब अंग्रेजी मतलब हिंदी में लिखा कोई बात नहीं, उनका मन को खोला है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मतलब हिंदी शब्द में ज्यादा हृदय को मन नहीं लिखा है ना। मतलब जैसा ये जो नीति वजन 4 अध्याय का 23 वजन में भी क्या लिखा, मन लिखा, लेकिन हृदय की ज्यादा रक्षा करना करके हाथ लिखा ना। हाँ वही मतलब बात मतलब आप लोगों को मैं हृदय बोलता अगर आप उदय मन पड़ा तो डाउट नहीं आना, इसके लिए बोला। ओके तो हमारा हृदय है ना, हमारे हृदय में अभी यहाँ पर सुनने वाला लोग, अभी कई लोग इधर आकर बैठा लेकिन वो एक दूसरे दुनिया में है। कई बार देखा मतलब उधार पाए लोग नहीं, वो लोग वजन ध्यान से सुन नहीं पाता। इवन उधार पाया कहता है पर उसका उधार नहीं हुआ, वो भी वजन पर ध्यान नहीं दे पाता। भियो अब एक बात जानना, आप जब हृदय लेकर के आया है तो हृदय से सुनना। कई लोग हृदय छोड़ कर आता है, पर तो हमें हृदय के साथ सुनना, हृदय के साथ समझना। और अगर आप प्रभु के वजन को तुच्छ करके दूसरे ध्यान में देगा तो आपका हृदय के पास से हो जाएगा, लेकिन वो हृदय और भी कठोर हो जाएगा। इसलिए बार बार प्रभु का वजन गाने वाले एक शब्द आपको मालूम है, इब्रानियों के पत्री में इसराइल की बात को कहते कहते इब्रानियों के कहने वाले बात है, इब्रानियों 3:8, देखा मन को कठोर ना करो, बोले तुम प्रभु का वजन सुनने के टाइम पर मन को कठोर ना करो, है ना। उसका हमारा 12 वजन, भाइयों चौकस रहो कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखा प्रभु को प्रभु से दूर हटा ले जाने वाला ऐसा एक बुरा मन तुम्हारा ना हो, एक अविश्वासी मन तुम्हारा ना हो। तुझे ये जानना है अभी आप कहां पर बैठा और क्या सुन रहे हैं। अभी आप देखो ना, अभी जब तक प्रभु का अनुग्रह से ये दिल या मन खोलेगा नहीं, ये वजन अंदर नहीं जाएगा, ये बात पक्की बात है। परंतु यदि आप उसको ध्यान दे रहा है करके स्वर्ग देखता है तो प्रभु का दया आपके ऊपर उंडे लेगा, प्रभु आपको ऐसा एक मन देगा। लेकिन कई लोगों को क्या है, किसी का कई लोग दूसरे किसी के तसल्ली के लिए आता है, चलो उन्होंने हमको बुलाया भाई, चलो उनको नाराज क्यों करने का, चलो जाते हैं सुनते हैं, नहीं तो माँ बाप डांटेगा, चलो जाते हैं सुनते हैं। उस अर्थ में आकर के रेफरेंस वाला सब लेगा और जो कुछ भी नहीं समझेगा, बाप रे कितना भयंकर बात है ना। मतलब उसी का 15 बजे पढ़ना, उसका 13 बजे पढ़ना, 13 जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के जल में आकर कोटर हो जाए। देखा प्रियो हमारे जीवन में मतलब आप हमें धोखा देगा, आप हमें पाप में जीने वाले व्यक्ति को प्रभु का वचन अच्छा नहीं लगेगा, उसका 15 वचन ऐसा कहा जाता है यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। देखा प्रियो हाँ जाओ, एक बार शायद आपने कई बार सुना होगा, जो प्रभु आपसे प्यार करके और एक दिन दिया आज का दिन, कल का दिन प्रियो क्या होने वाला, आज का दिन अभी आगे क्या क्या होने वाला किसको मालूम है ना। कितनी लोगों ने ये वचन सुना, अच्छा अवसर मौका प्रभु ने दिया। मेरा जीवन में ऐसा बहुत अनुभव प्रियो, मैं अभी वो मानो वो गवाही या वो अनुभव का बात बोलने के लिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये संदेश पूरे रह जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो अभी भी एक एक दिन एक एक क्षण प्रभु हमें ध्यान दे रहा है ना। हमको मिला हुआ समय में खास करके हम प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु का वचन सुनने का टाइम बहुत ही मूल्यवान है,
क्योंकि उस समय में प्रभु हमको कुछ खास बात हमें समझाना चाहता है। और वो समय में देखो आपको मालूम है इसराइल का चरित्र पूरा आपको मालूम है, जो प्रभु का वचन को तुच्छ किया प्रभु ने उसको छोड़ दिया। जब जर्मिया ने भी किया उसका 35 अध्याय का 15 वचन, जर्मिया उसका 35 का 15, मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो, तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे। पर तुमने मेरी और कान नहीं लगाया। देखा, मेरी और कान नहीं लगाया, न मेरी सुनी है। मेरी नहीं सुना, मेरी बात सुनने के लिए कान नहीं लगाया और मेरी बात को नहीं माना है। देखा, प्रभु अपनी दासों को बार बार भेजता है लेकिन लोगों को क्या है, ये सब मजाक लगता है। ओ, हमने कितनी बार सुना, कितने लोग आकर के हमको बोला ऐसा जरूरत पड़ गया तो प्रभु को इतना जरूरत है तो प्रभु और भी भेजेगा, और भी समय मिलेगा। ऐसा मानो प्रभु का और प्रभु का वचन को तुच्छ करने वाला अनुभव। कितनी बार समझाता है, कितनी बार बहुत प्यार से समझाता है। जो सच्चा उद्धार पाने वाला व्यक्ति है ना, हमेशा फिर रोता है क्योंकि वो सोचता है प्रभु मैंने कितना अवसर को नष्ट किया, मैं जल्दी प्रभु में आना चाहिए था पर जो मेरा दिनों को मैंने नष्ट किया, मैंने व्यर्थ नाशमान सातों के पीछे जाकर के मेरा मूल्यवान समय को मैंने गवा दिया। रोता है, मैं रोया बहुत बार। मैंने सोचा था अगर 14-15 साल में भी होता तो मेरे को कितना लाभ होता, तो मेरा 9-10 साल ऐसे गया, ऐसे मतलब नहीं रोएगा, रोना आता है। आप प्रभु को चखने के बाद में इसी प्रकार है, स्वर्ग में जाने के बाद अरे क्यों नहीं जल्दी आया है, इतना लंबा समय क्यों प्रभु ने दुनिया में रखा है, आप 4 दिन ज्यादा यदि लेना चाहते हैं क्या, तो आपने स्वर्ग में जाने के बाद में आपको मालूम पड़ेगा। अरे अभी से मालूम करो ना, जल्दी पहुंच गया तो उतना अच्छा है, जितना जल्दी जाएगा उतना अच्छा है प्रभु है ना। और स्वर्ग जाने के बाद में दोबारा एक बार जाकर आओ बोलेगा तो सॉरी और किसी को और किसी को भेजो ना। ये मतलब दुष्ट वाला पाव वाला दुनिया में, मैं आपको बोलता हूँ 100 साल पहले जिया वो एक व्यक्ति अगर ये दुनिया में आएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा है वो बिल्कुल, क्योंकि कोई बात मानते ही नहीं है, छोटा बड़े का आदर ही नहीं करता है, ऐसा दुनिया है। आपने ये सोच ही नहीं सकता वो लोग, तो मैं आपको बदलने जाता हूँ, यो इतना पाव और बुराई बढ़ गया है, कोई सीमा नहीं है। आज सबको एक हाथ बढ़ गया है, अभी मानो पाप को आज लोग एक तो मजाक समझता है, ऐसा नहीं प्रियो है ना। हमारे जीवन में अभी तो प्रभु का वचन हमें अगर सुनने के लिए मिल रहा है, अभी आगे जाकर के सत्य वचन मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा है। झूठा खेल है प्रियो, झूठा खेल है, झूठी बातों के पीछे इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है, कितना भयंकर बात है। आज मैं अभी एक देखो एक न्यूज में आया हुआ बात है, एक व्यक्ति मतलब उसका नाम वाला अभी नहीं बोलेंगे, वो उसका मीटिंग में मतलब लाखों लोग होता है और उसने वहां पर एक व्यक्ति को मतलब लेकर आया, मतलब उसको चंगाई के लिए प्रार्थना किया, अभी वो मतलब एक्सीडेंट में उसका मतलब कमर में तकलीफ होकर के मतलब लेट गया था, खड़ा नहीं हो सकता, मतलब जरूरत के लिए जैसा वो उसका मतलब वाकर का सहाय से ऐसे थोड़ा कुछ चलता, मतलब ऐसा खड़ा होने के लिए मुश्किल था, मतलब सीधा खड़ा होने के लिए मुश्किल था। तो अभी उधर चमत्कार करने वाले आ गए, बोल के इनको थोड़ा तकलीफ है, फिर भी लेकर गया, वो ना जाने के लिए चाहता नहीं था, तो फिर मतलब उनको लेकर गया, उधर जाके उनको खड़ा किया और उन्होंने मतलब बोला अभी प्रभु आज ये करेगा, फिर उसको खड़ा हो जाओ बोल के उनको खड़ा किया, तो अभी ज्यादा देर नहीं खड़ा हो सकता, फिर भी उसने क्या किया वो समझ गया, उन्होंने बोला देखो अभी प्रभु का अभिषेक आ रहा है बोल के एकदम ऐसे किया और पीछे से बोल दिया पकड़ लेना, तो पीछे पकड़ने वाला को खड़ा किया, गिर गया, गिरने के बाद में बोला देखो अभी एकदम ठीक हो गया, सुनो सभी ताली मारा, देखो अभी 8 साल से बिस्तर पर था, देखो चंगाई हो गया, चंगाई का बहुत बड़ा ये। अभी एक न्यूज वालों ने, वो भी क्रिस्ती है, बोला ये पूरा, और वो भी वो चर्च का मेंबर था, उन्होंने अभी वो घोषणा की, अभी सब लोग उसका ये हो गया, अभी
मतलब इन्होंने प्रचारों में बाकी जगह पर सब यही बोलने शुरू किया कि आज ऐसे पड़ा था वो चंगा हो गया, तो इन्होंने बोला चंगा ही नहीं हुआ। अभी वो उधर जाने के बाद में अभी उसने वो एक मतलब वो रिकॉर्डिंग ये भी अभी लोगों को समझाना है। अभी उनको पूछा कि आप अंकल आप उधर गया था आपको चंगा ही मिला गया, इतना झूठा लोग है वो झूठा मेरे को ऐसा मतलब इतना तकलीफ हो रहा था। अभी भी मतलब वो एकदम वो रिकॉर्डिंग करके आज सुनाया, अभी मैं बोल देना प्रियो इतना लाखों लोग ऐसे झूठी बातों पर बदल जा रहे हैं। कई बार कई लोग क्या सोचता है हम लोग चंगाई पर विश्वास नहीं करता, करता ना प्रियो ओरिजिनल चंगाई, हाँ प्रार्थना करो चंगाई मिलेगा। और इस प्रकार का जो काम है ये जो मतलब डोंगी बना का काम ये झूठ है प्रियो, कोई भी ऐसा जो लोग ऐसा बोल करके काम करता है वो झूठ है। अरे इतनी बैठा हुआ कितने लोगों प्रार्थना के द्वारा चंगाई पाया, मैं खुद पाया फोड़ पाया, ये सच्चाई है ना। अभी फोड़ का गवाही देगा तो कितने लोग विश्वास करेगा, विश्वास नहीं कर सकता। और तो कैसे ये कोई चिन्नी चमत्कार करने वाला उम्मीदवार नहीं प्रार्थना के द्वारा, प्रभु ने प्रार्थना सुन करके चंगाई दिया वो तो करता है प्रभु, प्रभु आज भी जिंदा है, प्रभु आज भी करता है, नहीं तो फिर और उसको बीमार छोड़कर क्यों गया, क्योंकि उस समय तक चमत्कार बंद हो गया क्योंकि वजन आ गया। वजन आने के बाद में इसका बात नहीं, ये वजन स्थिर करने के लिए था। और तो प्रियो आज भी ऐसा झूठे बातों के पीछे है मतलब वरदान बोल करके आकड़म बकड़म, मैं आपको बोलता हूँ इतना लोग ऐसा झूठी बातों में कितना जल्दी भाग जाता है, मैं बहुत अनुभव देख रहा हूँ प्रियो, दुख लगता है क्या है ना। सत्य वजन सुनो प्रियो, सच्चा वजन में अपना जीवन प्रभु में बदल गया है कि नहीं, परखो लूका उसका 14 अध्याय उसका 17-18 वचन लूका देखो विषय क्या आपको समझ में आया, आत्मिक भोजन खाने के लिए लोग तैयार नहीं है। आज मंडली के संडे को आए वो सब लोग कहां गया, कहां गया कोई पूछेगा तो क्या बोलेगा बहाना हमको ये काम था वो काम था नहीं। वो रियली कुछ लोगों को बात देते हो तो प्रभु को मालूम, लेकिन बहुत लोगों का स्वभाव हो गया वो कुछ ना कुछ बहाना बोलेगा, बहाना बोलेगा, कितना दुख की बात है प्रियो। अरे रोज प्रभु अपने आत्मिक भोजन तैयार करके यहाँ पर बांटने के लिए उनको भी बुलाया, अभी उनको पूछेगा तो क्या बोलेगा बहाना बहाना है। अभी रात का भोजन के लिए बुला, कहती लिया वो बोलता है कि मेरे को जूतने के लिए जाना, रात को जूतता क्या, देखो क्या बहाना है। मैंने बोलने का अर्थ क्या है कि कहीं भी कोई मतलब मिलता नहीं ऐसा बात है, सीधा झूठ। एक बात आपको जानना है कि हमारे जीवन में प्रभु का सत्य वचन सुनकर के जब तक विश्वास नहीं मिलेगा हमारा उद्धार कैसे होगा। ये वचन क्यों सुनना चाहिए, हमें विश्वास में और भी बलवान होने के लिए, सामर्थ्यवान होने के लिए। अभी आप देखो आपका उद्धार कैसे हुआ, वचन के द्वारा, वचन के द्वारा आपने ये सच्चाई समझा। ये वचन आया उस समय में प्रभु ने अपना मन खोल दिया, ये वचन ग्रहण करने के लिए प्रभु ने मदद किया, ये वजन के द्वारा नया जन्म पाए हुए लोगों का रोज का आत्मिक भोजन है वजन। और वो वजन प्रभु तैयार करके हमें दे रहा है लेकिन खाने के लिए तैयार नहीं, कितना दुखदायी बात है प्रभु का प्रियो। ये हृदय में हमारा विश्वास मजबूत होना है, हमने हृदय से उद्धार पाया हुआ अनुभव देखना। रोमियो का पत्री 10:9-10 यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, सबको सरल बात है जाना वो बात है उधर पाए वो लोगों को सबको याद है वचन, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उधार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। देखा धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। देखो हमारे जीवन में प्रभु भेजने वाला हरेक वचनों को हमें हृदय से विश्वास करना पड़ेगा, ये प्रभु का वचन है ये मेरे लिए हो जाएगा। विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में होगा प्रियो, ये पक्की बात है प्रियो। प्रभु का वचन
जो भी दुनिया में मिलने वाला सारा मेडिसिन से भी कितना अच्छा प्रियो। आप एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मैंने मेरे जीवन में ये बात को अनुभव किया, आप में से भी कई लोग अनुभव किया, आप बीमार होकर के भी प्रभु की उपस्थिति में आएगा तो चंगाई पाकर के लौटेगा, क्योंकि आप काम रहा है प्रभु की उपस्थिति में। और आपको मालूम है जब प्रभु का वजन को चंगा करने का सामर्थ्य है, प्रभु का वजन को चंगा करने का सामर्थ्य, देखो प्रभु वजन भेज करके चंगा करता है, देखा वजन भेज करके चंगा करता है। देखो बीमार व्यक्ति होगा तो उसको भी छूने वाला वजन आएगा, आप उस वजन को विश्वास से, अभी वो 18 साल से रक्त बहने वाला स्त्री विश्वास से छुआ, पर कितने लोगों ने प्रभु को छुआ, ये तो सिर्फ कपड़ा छुआ, यीशु मसीह को भी नहीं छुआ, वो कपड़े को छुआ, लेकिन विश्वास से छुआ उसको चकाई मिला, क्योंकि कपड़े में सामर्थ नहीं, प्रभु से सामर्थ नहीं मिला, ठीक है ना। तो उसी प्रकार प्रियो आज यहां पर आया हूं व्यक्ति, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप कोई भी अवस्था में क्यों ना हो, पर अगर आप विश्वास से आया है तो आप प्रभु का महिमा करके या महिमा अनुभव करके जाएगा। लेकिन अभी ये जो वजन जब पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 13 वजन क्या बोलता, वजन पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 13 वजन, देखा और इसलिए क्या हो गया, किसके लिए काम करता, विश्वास करने वालों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज भी अगर हो सकता है आप कोई तकलीफ के कारण, लेकिन तकलीफ के कारण हम कहाँ जाना, डॉक्टर के पास, भाई आप डॉक्टर के पास जाओ उसमें मैं मना नहीं करता, लेकिन आप विश्वास से प्रभु की उपस्थिति में आओ, आप प्रभु की उपस्थिति में लेकर आओ ना, आप विश्वास से आओ ना, मैं आज प्रभु से छुटकारा पाकर लौटेगा, आप छुटकारा के साथ ही लौटेगा। उसके लिए कोई आके आकर के आपका सिर पर हाथ लगाने की जरूरत नहीं थी, कोई विशेष करके सिर लाने की जरूरत है क्या, आप ये वजन को ध्यान से सुनो है, इस वजन को ग्रहण करने वाला एक अच्छा दिल के साथ आओ, वजन में सामर्थ्य है ना, अरे इस वजन की जैसा अच्छा औषधि है क्या, आप थोड़ा खा करके पी करके देखो ना है? जब नीति वजन में 4 अध्याय में हम लोग क्या देखता है, नीति वजन 4 अध्याय मतलब उसका 21 से पढ़ना, इनको अपने आंखों की ओर न होने दे वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको भी प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होते हैं। किसके लिए कारण होता है, सारे शरीर को चंगाई है, चंगाई होता है कि नहीं, चंगाई होता है, देखो ये प्रभु का वजन कहता है ना, उसका 17 अध्याय 22 वजन, देखा मन के आनंद अच्छा औषध है, मन का आनंद कब आएगा, ये वजन के द्वारा है। देखो ये बहुत बड़ी बात है, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये आदमी ये भोजन खाएगा तो इससे ज्यादा ये मधु से मीठा, दुनिया में इतना मीठा बोलने के लिए मधु है, मधु से भी मीठा भोजन उसे भी मीठा बोलते हैं, कितना सुंदर है भाई, लेकिन ये वजन को लोग स्वीकारते हैं, ये वजन को विश्वास से लेता नहीं, भली बात है ना भैया, ये भी प्रभु की उपस्थिति में आता है, ये वजन का सामर्थ्य देखो ना, आज भी ये वजन के सामर्थ्य में प्रभु सारा सृष्टि को संभालता है, आप बताओ ना वजन में सामर्थ्य है कि नहीं, ये वजन के द्वारा हमारे नया जन्म हुआ, शैतान का बेटा प्रभु का बेटा बना, छोटी बात है, ये वजन अंदर रहेगा तो भी, ये वजन अंदर रहना चाहिए, ये वजन को ध्यान से सुनना चाहिए, और जो लोग ये वजन का खिलाफ जाता है, वजन के खिलाफ जाने के कारण क्या होता है ना, जब रोमियों का पत्र उसका 2 अध्याय उसका 5 वजन, पर
देखा इतना भयंकर बात है तुम सुना सबने है मराठी में बाजा बोलने का मतलब क्या प्रियो प्रभु का वजन को तुच्छ करके अपनी अकेले स्वभाव को लेकर के वो क्या कर रहा है रोज का दिन के लिए वो कुछ अपने लिए बढ़ोत रहा है रोज प्रियो प्रभु का वजन हमारे पाप के लिए मार के लिए क्या है इस वजन के सहारे ले लो प्रियो ये वजन क्या कहता है पवित्र शास्त्र क्या कहता है ना आज भी आप देखो अभी मतलब प्रभु के वजन सुनने के समय में किसी कारण हमारे हृदय कठोर नहीं होना चाहिए अगर कठोर हो जाएगा तो क्या होगा प्रभु के भय के साथ वजन के सामने कैसे बैठना मुझे वो वजन बारा बहुत पसंद है कौन सा ऐसे या जैसा कर दिया का दूसरा वजन कभी कभी बीच में पढ़ाना अच्छा है उसका आखिरी बात ऐसे या उसका 66 अध्याय का दूसरा वचन का आखिरी बात मैं उनकी और दृष्टि करेगा देखो हाँ देखो अभी भी यहाँ पर कितना भी लोग बैठा है प्रभु का दृष्टि हमारे ऊपर लगना है तो प्रभु को मालूम है कि जो व्यक्ति सच्चा दिल लेकर के आया नहीं वचन सुनने के लिए अच्छा भावना में नहीं आया मैं आपको बताता हूं मैं आपको खड़ा कर सकता हूं आप यहां पर नहीं है करके क्योंकि उस दिशा से वो वजन वापस आता है ऐसे ही तो प्रभु अब ये तो प्रभु के द्वारा मुझे मालूम पड़ता है आत्मा के द्वारा जब निजी वजन में उसका आपको याद है निजी वजन 28 अध्याय का 14 वजन निजी वजन 28 अध्याय का 14 वजन जो निरंतर जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है हाँ देखा अगर कोई मन को कठोर करता है वो विपत्ति में पड़ता है विपत्ति में पड़ेगा विपत्ति में पड़ेगा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत लोग आज इन समय में जल्दी विपत्ति में क्यों नहीं पड़ रहा मालूम है पवित्र लोग प्रार्थना कर रहा है उनको सम्मान करके प्रभु विपत्ति से बचा रहा है सच्चाई वो है लेकिन लोगों को क्या लगता है कुछ नहीं होता उसको सब बात बहुत हल्का लग रहा है ऐसा नहीं है प्रियो और मैं एक बात आपको देना चाहता हूँ सच्चा उधार पाए व्यक्ति कभी भी किसी का भी नाश नहीं चाहेगा आप कोई भी कितना भी तकलीफ दिया हो मानो निंदा किया हो बदनाम किया हो नुकसान दिया हो और जो एक सच्चा उधार पाए व्यक्ति कोई भी कारण ये दुनिया का कोई भी बात के कारण किसी के प्रति बुरे नहीं सोचे नहीं तो सही आत्मा का अधीन नहीं हम लोगों ने पीछे दिनों में पढ़ा था ना लुका 9:55 है ना याकूब और योहन्ना ने क्या बोला समरिया के लोगों ने प्रभु को नहीं स्वीकारा और उनको क्या आया क्रोध आया क्रोध भी सर बोला ये लोग क्या है ये लोग है प्रभु कौन है इनको दिखाना चाहिए इसलिए परमिशन मांग रहे प्रभु अभी हम कहूं उनको भी मालूम है प्रभु ने अथॉरिटी दिया है जैसा एलिया ने बोला आग उतर करके उनको मतलब खत्म किया ऐसा अभी हम बोल दू ये अभी ये लोग इधर ही जिंदा नहीं देना चाहिए समरिया के लोगों का भी नाश कर देता हूं ये सारे 3 साल मेरे साथ चलने के बाद ही क्या सीखा है मैं किस लिए आया इसको नाश करने के लिए आया क्या बचाने के लिए आया अभी मेरे चेले बोलते हैं इसको नाश करो देखो उनका भावना देखो है क्यों उनके अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा था उस समय में है नाश करने वाला देखो अभी ये एक बात पक्का है अपनी हमारे जीवन में ऐसा कोई हमारे जीवन में आने वाला हरेक विचार भावना ऐसा जो दोष जो है वो सब प्रभु के वश होना जरूरी नहीं हमें परखना है वजन के सामने परखना है ये वजन के अनुसार सही विचार है या गलत है प्रभु हमारे इसके बारे में क्या कहता है वजन से हमें परखना है प्रभु तुरंत बोला तुम कौन से आत्मा का अधीन है तुम नहीं जानता देखा एक बार पत्रोस का कहने के टाइम पर प्रभु ने सीधा बोला चैतन्य तुम मेरे को अभी पत्रोस का कहना सारा दुनिया के सामने वो विषय को रखेगा तो
प्रभु को एक वोट भी नहीं मिलेगा, पूरा वोट पत्रोस को मिलेगा। क्यों? पत्रोस ने कितना अच्छा बात बोला, प्रभु तुझे ऐसे ना होने दे, है? क्योंकि प्रभु बोलता है अगर यरूशलेम में जा रहा है, उधर जाएगा तो मुझे महायाजकों को सौंपा जाएगा, वो लोग मुझे मारेगा, पीटेगा, चढ़ाएगा, सूली पर मरेगा, और जो मरने के वजह तीसरे दिन जी भी उड़ेगा, वो शायद उसने ध्यान से नहीं समझा। मरने के बाद में जहां पर भी प्रभु ने मृत्यु के बाद बोला वहां पर समाप्त किया, दुनिया का कहानी मृत्यु में कदम, और जो यीशु मसीह की कहानी वहां पर कदम नहीं पड़ी। प्रभु बोला तीसरा दिन में जी उठेगा, तीसरा दिन में जी उठेगा। आप देखो कितनी बड़ी बात है। ये सुनने के समय में पत्रोस उसको आलोचना दे रहे, प्रभु तुझे ऐसे कभी ना होने दे। देखा इसका मतलब प्रभु तेरी द्वारा योजना पिता ने बनाया वो कभी ना होने दे, ये कौन बोल रहा था? पत्रोस नहीं बोल रहा था, शैतान। वो समय में शैतान उसमें मानो रूप लिया, शैतान उसको अपने कब्जे में लिया। देखो थोड़ी देर पहले यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके प्रकाश मिला हुआ व्यक्ति थोड़ी देर में ये बात सुना तो उसका चिंता, उसका ध्यान कहां पर गया? देखो मतलब इधर ही बैठने के टाइम पर भी लोगों का ध्यान बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? बहुत बड़ी बात है, हमारा मन कभी भी भाग सकता है। लोग अभी भी अपना दिल कठोर कर सकता है ना, इसलिए कठोर नहीं करो करके बार बार भजन बोलता है। भजन सुनने के समय में अपने आप को नम्र करके वो भजन को स्वीकारो, प्रभु ये भजन मेरे लिए, मेरे में अभी भी क्षमा ना करने वाला स्वभाव है, अभी भी दूसरे को भय करने का स्वभाव है, नफरत करने का स्वभाव है, मैं अपने आप को ऊंचा करने वाला स्वभाव है, हटीला स्वभाव है, वो सारी बात तो कबूल करो ना। ये नहीं कि वजन सुनने के टाइम पर अपना हृदय को कठोर करो, नहीं नहीं मैं नहीं मानता। मैं कई लोग ऐसे कई बार मुझे बोला भी है, मैं ये बात नहीं मानता। देखो अब उसके साथ क्या बात करने का, क्या उसके साथ तर्क करने का है? प्रभु के वजन जो कहता है मैं नहीं मानता बोलने के लिए किसका हिम्मत है? बहुत भयंकर बात है, हमें अपने जीवन को पार करना है। प्रभु वजन कहता है जो हृदय कठोर करेगा वो विपत्ति में पड़ेगा। देखो प्रभु आज भी मौका दिया, इधर बैठा हुआ कितने लोग जो उधार नहीं पाया उनको कितना मौका प्रभु ने दिया। वो नीति वचन 29 का पहला वचन पढ़ रहा, हिंदी में पढ़ना, जो बार बार डांटे जाने पर भी बस करता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। देखा क्या भयंकर बात है प्रियो, एक समय में प्रभु का वजन आने के समय में शायद कोई समय में एक डांट के रूप में हमें वो वजन आता होगा, क्योंकि ये वजन हमें डांटता भी है। वजन क्या क्या काम करता है? डांटता है, क्योंकि वो हमें सुधारना चाहता है। लेकिन उस समय में हम हृदय कठोर करेगा तो वजन कैसा कैसे काम करता है, है? दूसरा तिमोथी 3:16-17 वजन, दूसरा तिमोथी 3:16-17 वजन, देखा ये चार प्रकार का काम वहां पर करता है। मतलब वजन कई बार हमें एक डांट जैसा लगेगा, हमारे हमें सुधारने के लिए, हमें सुधारने के लिए इस वजन को अगर हम उसको मतलब अपनी मनमानी में लेगा तो उसको अपनी इच्छा से उसको मुड़ना चाहेगा तो कितना बड़ा धोखा है। परमेश्वर का जन प्रभु के लिए बुलाट पाया हुआ लोग सिद्ध होने के लिए दिया हुआ एकमात्र बात वचन है, वचन है। एक बात मैं आपको बताऊं, पुराने नियम में नया नियम में कितना बड़ा अंतर है। पुराने नियम के लोग मानव वचन को क्यों नहीं समझ पाया, पहली बात उसमें हाथ में नहीं था, दूसरी बात ओरिजिनल कतना उनमें नहीं था। क्या नहीं था? ओरिजिनल कतना नहीं था। अभी वो लोग हम कतना पाए लोग बोलते के कमेंट करता था, परंतु रियली प्रभु चाहने वाला कतना बाहर की कतना नहीं,
अंदर का कतना जिसको होगा वही ये सारे बात को समझेगा। ये भी एक बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताऊं, रोमियो के पत्री में पेटर पौलुस वो बात को बहुत स्पष्ट करता है। रोमियो उसका दूसरा अध्याय है, उसका 28 है। देखा, जो यहूदी वही नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है। हाँ, देखा, ओरिजिनल यहूदी आज कौन है? अरे प्रभु का मंडली है। यहूदी यहूदी यहूदा उस पर का अर्थ ही शुद्धि करने वाले है। ओरिजिनल शुद्धि करने वाला कौन है? मंडली। तो प्रभु बोलते हैं ओरिजिनल यहूदी कौन है जिसका हृदय को खतना हुआ। आगे बढ़िए। और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। हाँ, देखा, ये बात है भी। आज हमारे हृदय में और आत्मा में वो खतना है, तभी हम वास्तव में इन भजनों को, प्रभु का भजनों को अपने हृदय में लिख पाएगा, वो हृदय में रह पाएगा। अभी हरेक पवित्र लोग बरको मेरे जीवन में मेरा हृदय का खतना हुआ है क्या है? मेरा कान का खतना हुआ है क्या? बामर पापा से पढ़ा, जो बड़ा ध्यान से सुनना, वजन बहुत गंभीर वजन है। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रकट में यहूदी है, और न वह खतना है जो प्रकट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें ओरिजिनल कतना मिला है कि नहीं, ये बात को जानना। प्रभु में उद्धार पाने वाले एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु करने वाला, आत्मा के द्वारा करने वाला एक कतना है, ये भीतरी मनुष्यत्व का कतना। इसमें ही सारे भेदों का मतलब सारे भेद छिपा हुआ है। देखो, आपको मालूम है यहूदियों से आया हुआ कुछ लोग गलातियों में आकर के मंडली को भरमाया। उस समय में प्रेरित पौलुस ने उनको समझाने के लिए वो लोग जोर किस बात पर दे रहा था? बाहर की खतरे को, बाहर की खतरा है ना। जब गलातियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 4 बजे में देखिए, अभी प्रभु यीशु मसीह में कतना का विषय जो यहूदी लोग सोचते हैं उसका 4 महीने में पड़ेगा। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। बोलने का मतलब अभी आप उसका दूसरा वचन भी पड़ेगा। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि यदि कतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। देखा, अभी थोड़ा मैं पीछे लेकर गया। अब देखिए, अभी वहां पर लोग आकर के इस खतरे पर जोर दिया है। प्रेरित पौलुस वो बात को बोलता है कि देखो, इस बार का खतरा लेकर के तुम धर्मी नहीं बने, तो ऑलरेडी धर्मी है ही, अभी क्या धर्मी बनने का, समझ में आया? अरे तो वो लोग बाहर का खतरा में लाकर के उनको काम पर वापस लेकर जा रहा है व्यवस्था में। आज हम व्यवस्था को गुलाम है क्या? नहीं है ना, है मतलब इधर रुक करके रोमियो 6:14 तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्या बात है, आज हम अनुग्रह के अधीन है, हम व्यवस्था के अधीन नहीं। हम उस मतलब व्यवस्था के अधीन रहने वाला होता तो हमको कतरा लेना पड़ता, पर जो आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, देखो कितना बड़ी बात है। प्रियो, आज हम अनुग्रह के अधीन है, उसमें कतना विषय ओरिजिनल कतना है। ओरिजिनल कतना कहां पर है ना? हृदय का है, हृदय का है ना। मतलब वही कह रहा थी, वापस आइए 6 अध्याय उसका 12:13। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाएं। देखा, बहुत भयंकर बात है। वो लोग यहूदी लोगों से आने वाला आक्रमण से बचने के लिए खतरा लेकर के वो सोचता है कि मैं बच गया। बचेगा क्या? नहीं। प्रियो,
दुनियाकर ईदी का सजावट से बचने के लिए लोग जाकर के कदम लेते थे। इतना दुख भरा बात है ना अर्जुन भैया, ओरिजिनल कतना वो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया वो लोगों को पवित्र आत्मा का द्वारा मिलने वाला कतना है। ये बात को जाना रियली कतना के लोग मंडली के लोग, मंडली के लोगों को फिलिपियों का पत्री में मैं आपको बताता हूँ उसका तीसरा अध्याय का तीसरा अध्याय पढ़ो, देखो वचन क्या कहता है। हाँ कतरे वाला कौन है? ठीक है, फिलिप मंडली के लोग अन्य जाति के लोग है, अन्य जाति के लोगों को पौलुस बोल रहा है ओरिजिनल कतरा वाले लोग आप लोग, ओरिजिनल लोग हम लोग है। उसको बोला देखा, ये है ओरिजिनल कतने लिया वो लोगों का एक चिन्ह। देखो देखो है? एक समय में पौलुस भी सारी रीति में दुनिया की रीति में सब मतलब प्रशंसा करने वाला व्यक्ति था, लेकिन प्रभु में विश्वास किया तो प्रशंसा सब उड़ गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। हरेक पवित्र लोगों को आज भी सच्चा उदार नहीं पाया वो लोगों को ये कतना का अनुभव नहीं, इसलिए लोग हृदय लगा कर या मन लगा करके वजन नहीं सुन पाता, उनका मन प्रभु की ओर एकाग्रित नहीं हो रहा है। प्रियो कतना होना जरूरी है। अभी वो कतना का एक और गहरी बात क्या है ना, पड़ोसियों का पत्री में प्रभु का दास ने लिखा है, पड़ोसियों का पत्री दूसरा अध्याय का 11 वचन पढ़ रहा, पड़ोसियों 2 का 11 देखा, तुम्हारा ऐसा कतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, फिर कैसे होता? अर्थात मसीह का कतना, मसीह का कतना शारीरिक उतार दी जाती है। देखा क्या बात है, सबको मिला मरने भी मिला झालिया है देखा क्या क्लियर है मेरा सबको वापस हिंदी में पढ़ना ध्यान से सुनना प्रियो, मसीह में तुम्हारा देखो हर एक बातों में ना आज हमारे लिए जो भी बात होना था सब काम हो गया मसीह में, मसीह में। देखो आज हम लोग प्रभु को उपस्थिति में आने का मेन कारण क्या है, हम मसीह में, इसलिए मसीह में है, मसीह में हमारे लिए सब कुछ है, मसीह में हमारा कतना हुआ ओरिजिनल कतना। आगे बढ़िए, अर्थात मसीह का कतना जिसे शारीरिक देह उतार दी जाती है। देखा मतलब उन लोगों में शरीर की विषयों में प्रभु नहीं चलता, उनका हमेशा लक्ष्य पूरा आत्मा है, आत्मिक बात है, आत्मिक बात है, उनके जीवन की दौड़ का एकमात्र लक्ष्य आत्मिक बात है। इसी कारण देखो उसका तीसरा अध्याय का 11 में आइए, पड़ोसियों 3 का 11 ना तो यूनानी रहा न यहूदी न खतना न खतना रही न जंगली न स्कूटी न दास और न स्वतंत्र केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखा प्रभु में आने के बाद में कतना वाला कतना नहीं वाला उसने पार्टीशन नहीं किया, नहीं या तुम कतना नहीं दे वापस जाकर तुम कुछ भी कतना नहीं कर रहा हो ऐसी की बात है क्या? नहीं, क्या अनमोल बात है ना, इतना बड़ा गंभीर बात है। यही तो बात है आज लोग सही प्रकार प्रभु की सच्चा विश्वास में ना होने का तो करता है। यरमिया की किताब में एक ऐसा चेतावनी के शब्द है 9 अध्याय का 26 वचन पढ़ा, यरमिया 6 अध्याय का 26 वचन, यरमिया 9 अध्याय का 26 अर्थात मिस्रियो यहूदियो एदोमियो अम्मोनियो मोआबियो को और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रही थे और इसराइल का सारा घराना भी मन में खतना रही थे। देखा उन लोग क्या है, मन में खतना रही थे,
उनका मन का खतरा ना होने के कारण प्रभु का बातों में वो बना नहीं रह पाया। देखो क्या बड़ी माना गवाही है, इसमें क्या है कि आज प्रभु का सत्य वचन में हम बना रह पाते हैं, अनमोल बात है ना। यहां पर प्रभु का वचन गाता है हमारा हृदय है ना। आज बहुत लोग जो वचन आता है वो विश्वास से नहीं ले पाता क्योंकि खतरा नहीं हुआ, हृदय का खतरा, और ये आत्मा के द्वारा है, ये नए जन्म के द्वारा है ना। ये होते बिना ये कौन करता? प्रभु करता। देखा, प्रभु ने हमारे जीवन में वो महान कार्य किया, इसलिए हम विश्वास कर पाया, इसलिए हम उधार पाया। ओके, तो ये चारवा बात बताएंगे, चारवा प्रभु खोलने वाला द्वार। जल्दी बता, अच्छा टाइम इतने तक आ गया। ओके, फिर भी मतलब हमारा मुंह का द्वार खोलना, हमारा मुंह का द्वार खोलना बहुत बड़ी बात है। आज भी बहुत लोग जैसा प्रभु का महिमा करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, क्यों नहीं कर पाता? उनका मुंह का द्वार नहीं खोला है ना। जब भजन संहिता 51:15, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। देखा प्रियो, जब तक प्रभु हमारा मुंह नहीं खोलेगा प्रभु का गुणानुवाद नहीं कर पाएगा। आज भी आप देखो ना, प्रभु में आया हुआ कई लोगों का ऐसा अनुभव है ना, वो लोग कभी भी प्रभु के बारे में ये बोलता ही नहीं। देखा है, वो बोल नहीं पाता, उनका अभी तक मुंह नहीं भरा प्रभु ने। प्रियो ऐसा किसी का अनुभव है तो आप रखो है, मैं प्रभु के बारे में बोलने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए मुझे कोई रुकावट है क्या? प्रियो निश्चय अभी भी जब 142 भजन संहिता का 7 भजन, उसका कारण वहां पर लिखा है 142 का 7, मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। हाँ देखा, सुना, अभी भी बंदी गृह में काम रहे, बंधन में है, बंधन में पड़ा है। उनको मुंह खोलने की इच्छा है पर जो बंधन में है वो मुंह नहीं खोल पाता है ना। इसराइल लोगों को मतलब जब गुलामी में लेकर गया, हम लोग जो गीत गाते थे ना, गाओ बोला, बोलो बोला, हम इसलिए नहीं गा सकता, क्यों? हम गुलामी में। कितना भयंकर बात है। आज जैसा प्रभु का महिमा करना चाहिए, प्रभु का स्तुति करना चाहिए, प्रभु की आराधना करना चाहिए, बहुत लोग अपने मुंह नहीं खोल पाता। आपने देखा होगा ना, कई लोग मतलब गवाही भी देता है तो बाप रे, इधर उधर का बात बोलने के टाइम पर क्या आवाज है, और तू गवाही देने के टाइम पर अभी वो क्या बोला आपको बारे में, उसका ये हिल रहा था किसको बोल रहा है, कोई सीक्रेट किसको बोल रहा है? देखो बेहतर है प्रियो, बेहतर है। बाकी कुछ दुनिया की बात रहेगा तो छोटा भी बात रहेगा तो उसका आवाज सुनना, और जो प्रभु की उपस्थिति में आवाज नहीं, बेहतर है, बेहतर। अभी आपको मालूम है प्रभु के लोग जिसका खतना हुआ है, और उस वर्ष शीला बिंदी ग्रह में था, बिंदी ग्रह में भी मुंह बंद नहीं रहा, बिंदी ग्रह में भी इतना मार्क आकर के बंधन में था, कभी भी उनका मुंह बंद नहीं रहा है ना। आधी रात को उन्होंने उठ करके है ना, फिर लोगों का हम सोना जाएगा आपको मालूम है 25-26 बजे आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा बस बाकी संभव को मालूम, तो मालूम क्या है कि वहां पर बोलने का अर्थ क्या है भैया, वहां पर भी बंधन में रह करके भी मुंह बंधन में नहीं था, इसलिए प्रभु का महिमा किया। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है ना, जब तक प्रभु मुंह नहीं खोलेगा तो बात कैसे करेगा प्रियो, मुंह खोलाएगी नहीं प्रभु ने, प्रभु मुंह खोलना चाहिए। आपको मालूम है जब गणना 22:28 में प्रभु ने एक बात गेदे का भी मुंह खोल दिया, किसका?
गधे का, जब प्रभु गधे का ही मुंह खोलता है। प्रिय प्रियो, प्रभु गधे से भी बात कराता है तो फिर प्रभु के लोगों से बात नहीं कराएगा? हाँ, इसलिए हम गधे से भी कैसे गुजरेंगे? देखो, कई लोग गधे से भी कैसे, उनका मुंह भी नहीं खोला। आप बताओ आज हमारा अवस्था क्या है? हम प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में प्रभु का महिमा कैसे करता है? अपने मुंह खोल करके प्रभु का स्तुति कर पाता है क्या? जानना चाहिए प्रभु। ऐसे के लिए किताब उसका 33 अध्याय का 22 वचन का भी पाठ पढ़ो। ऐसे के 33:22 उसका भी पाठ, ऐसे के 33 अध्याय का 22 का भी पाठ। उसने मेरा मुंह खोल दिया, खोला ही रहा, हाँ मैं फिर चुप नहीं रहा। प्रियो, प्रभु मुंह खोलेगा तो प्रभु कोई भी मिलेगा उधर पाएगा। प्रभु यीशु पर विश्वास करता है क्या? उधर पाएगा, आज पड़ेगा कहाँ जाएगा? बोलते रहेगा प्रियो, प्रभु का महिमा बोलते रहेगा, महिमा करते रहेगा। प्रभु ने मुंह खोला है तो जो भी मिलेगा उनको प्रभु का महिमा का बात पूछते रहेगा, बोलते रहेगा। कितना बड़ी बात है ना हमारे जीवन में, प्रभु मुंह खोला है तो फिर वो व्यक्ति चुप नहीं रह सकता, चुप नहीं रह सकता। दाविद ने बोला ना 34 भजन संगीत में पहला वचन है, मैं क्या करेगा हमेशा और समय में प्रभु का धन्य कहा करूंगा, निरंतर मेरी मुंह से होगा, निरंतर। ओ कितना बड़ी बात है भाई, है ना। हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु का महिमा करने के लिए, प्रभु का स्तुति करने के लिए हमारा कितना बड़ा उत्साह चाहिए। अब तुम्हारे में ना इब्रानियों का पत्री में उसका 13 अध्याय का 15 वचन में ये प्रभु का स्तुति करने वाला क्या करता? प्रभु का होठों को बल देने वाला क्या करता? प्रभु का महिमा करता, प्रभु का महिमा करता है ना। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे होठों से प्रभु की महिमा होता है क्या? हमारे मुंह खोला है क्या उसके लिए? आज बहुत लोग प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में भी एकदम चुप रहेगा, कभी स्तुति धन्यवाद नहीं करेगा। क्यों है आपको मालूम है? उसके एक कारण है, क्योंकि 33 भजन संहिता का पहला भजन का भी पाठ में लिखा है, स्तुति करना धर्मियों के लिए उचित है, इसके बोला अधर्मियों के लिए अनुचित है, अनुचित है। क्योंकि पापी अधर्मी प्रभु की उपस्थिति में स्तुति नहीं करता। इसका मतलब आपको समझ में आया ना? आप क्यों नहीं स्तुति करता है? क्यों नहीं स्तुति करता? क्योंकि आप धर्मी नहीं, आप धर्मी नहीं। इस बात का एक प्रूफ है, आप धर्मी नहीं, आपने प्रभु का जीवन नहीं पाया, प्रभु की आत्मा आप में नहीं, इसलिए आप प्रभु का स्तुति नहीं कर पाता। दूसरी प्रकार बोलेगा तो जब भजन संहिता 6 अध्याय के 5 वचन, भजन संहिता 6 का 5, हाँ मृत्यु के बाद बोलेगा अर्थ क्या है? क्या हो गया? मर गया, मर गया, खत्म। अभी वो क्या स्तुति करेगा? मर गया ना, प्रभु को उपस्थिति में भी मरा लोग आता है, उधर पाया बोलता है लेकिन मर गया हो, मर गया। प्रोफेसर इस मंत्री के बारे में वही बोला ना, तुम जीविता तो अपने आप को कहलाता है, मेरे दृष्टि में है तो मरा हुआ। वो ऐसा अनुभव, इसलिए जब 115 का 17 ओ प्रभु यीशु, 115 का 17 देखा है, हिंदी में पढ़ो ना, रुद्र जितने चुपचाप पड़े हैं, हाँ, वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। जो उस धनवान व्यक्ति जहां राग में तड़प रहा है वो प्रभु का क्या स्तुति करेगा? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
फिर कौन कह सकता जीवित। हाँ जीवित है ना। ऐसे नबी किताब में 38 अध्याय उसका 19 वचन का शुरुआत पढ़ना, जीवित हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। क्या आना का बात है, जीवित जो प्रभु में जीवित वही प्रभु का धन्यवाद कर सकता है। कितना आना की बात है प्रयोग। आज अगर हमारा ऑटो को प्रभु ने खोल दिया है तो हमारे ऑटो में क्या होना चाहिए, हमेशा प्रभु का स्तुति होना चाहिए, हमेशा प्रभु के महिमा होते रहने चाहिए। जिस पवित्र जन का प्रभु ने मुंह को खोला है उनकी ऑटो में हमेशा निरंतर प्रभु का स्तुति होते रहेगा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। मैं सोचा था सातों वक्त बोलेगा लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है प्रभु का निग्रह तो फिर बाकी तीन बात कल बोलेंगे। तो प्रभु का महिमा हो, जल्दी जल्दी वास्ते गया अभी भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। आज दो बात सुना, क्या क्या सुना है, एक हमारा हृदय खोलना, प्रभु ने हमारा हृदय खोला इसलिए हम हृदय में प्रभु को ग्रहण कर पाया और ओरिजिनल कतना हमने पाया, सच्चा यहूदी हम बना क्योंकि प्रभु का स्तुति करने वाला है ना, कितने बड़ी बात है। और दूसरा हमने देखा प्रभु ने हमारा मुंह खोला, इसलिए हम कोई भी पिता है तो उसको सुसमाचार सुनाने में हर पल तैयार रहते हैं, उसके द्वारा प्रभु का महिमा करते रहने में हमें आनंद है, कितना अच्छी बात है।